दोस्तों हमारा पहला आसन है सुखासना और द इजी पोज। इसमें हमें बैक स्ट्रेट एंड चेस्ट अप रखनी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट के टाइम 5 सेकेंड होल्ड करना है, जैसे नॉर्मली बैठते हैं वैसे बैठना है। इसमें हमारा सेकंड आसन है परिवृता सुखासना सीटेड ट्विस्ट। इसमें हमें साइड में ट्विस्ट करना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। एक हाथ को मतलब कि लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड हमारा पीछे रहेगा, राइट हैंड हमारे लेफ्ट जो नी है उस पे रहेगा। एंड पूरी अपर बॉडी को मूव करना है पीछे, ब्रीद आउट करना है एंड होल्ड करना है 5 सेकेंड्स। ऐसे दोनों तरफ हमें करना है 5 टाइम्स ईच। हमारा तीसरा आसन है बटरफ्लाई पोज। इसमें हमें दोनों पैर के पंजे को ऐसे आमने सामने ऐसे टच करना है, दोनों हाथ से दोनों पंजों को होल्ड करना है, हमारी बैक को स्ट्रेट रखनी है वाइल परफॉर्मिंग द आसना। एंड देन दोनों नीज को मूव करना है धीरे से 10 टाइम्स। देन आफ्टर रिलैक्स होना है 10 सेकेंड के लिए। ऐसे 10 बार हमें दोहराना है। इससे हमारे हिप्स के जो बोन जॉइंट है वो खुलेंगे एंड जो लोअर बैक के है उसे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। बटरफ्लाई पोज के बाद हमें रिलैक्स करना है 1 मिनट एंड हमारे जो पंजे हैं उन्हें ऐसे मूव करना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फॉर रिलैक्सेशन। हमारा चौथा आसन है कैट एंड काउ पोज। इस पोज में हमें ये पोजीशन लेनी है, दोनों हाथ को ऐसे ज़मीन पर रखने हैं एंड दोनों नीज को भी ऐसे रखनी है। एंड देन हमारी जो बैक है उसे बेंड करनी है नीचे की तरफ एंड फेस को ऊपर करना है, ब्रीथ इन करके होल्ड करना है 5 सेकेंड्स। ये है हमारा काउ पोज। देन आफ्टर कैट पोज में हमारी जो एब्डोमिनल है जो बीच वाली जो स्पाइन है उसे बेंड करना है एंड नीचे देखना है। ये है कैट पोज एंड ब्रीथ आउट करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स। ऐसे दोनों तरफ 5 to 10 टाइम्स हमें परफॉर्म करना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारी जो हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए एंड हमारी जो स्पाइन है उसे हेल्दी रखने के लिए। हमारा 5th आसन है वज्रासन। वज्रासन में हमें दोनों पैर को ऐसे फोल्ड करके बैठना है, कमर स्ट्रेट रखनी है। सो हमारे ये घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोनों हथेली को ऐसे ऊपर रखना है, ऊपर फेस रहे ऐसे एंड ब्रीद इन करनी है, ब्रीद आउट करनी है एंड 5 सेकेंड होल्ड करना है ईच ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर 10 टाइम्स। आँखें बंद रखनी है, हमारी हमारे जो माइंड ब्रेन को हमें नॉर्मल एक फोकस रखना है हमारी ब्रीथिंग पे। हमारा 6th पोज है मंदुकासना फ्रॉग पोज। ये आसन डायबिटिक्स के लिए बहुत ही असरकारक है। इसमें हमें वज्रासन में बैठते हैं वैसे बैठना है, दोनों पैरों को फोल्ड करके हमारी हथेली को ऐसे मोड़ना है एंड उसे पेट पे रख के नीचे झुकना है, ऐसे ब्रीद आउट करना है एंड हमारे फेस को ऊपर रखना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स। देन आफ्टर धीरे से ऊपर आना है एंड ब्रीद इन करना है।
इसे हमें दोहराना है 10 times। ये हमारी पेट के अंदर के जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, इस सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। हमारा 7वां आसन है त्रिकोणासन। इसमें हमें अपने घुटनों पे ऐसे बैठना है, पीछे बैंड होना है, हाथ को दोनों पंजों पे रखना है एंड हमारा सिर भी पीछे रहेगा। ब्रीथ आउट करके होल्ड करना है 5 seconds एंड 10 times इसे दोहराना है। हमारा 8वां आसन है पवन मुक्तासन, जिसमें हमें ऐसे लेटना है योगा मैट पे, दोनों पैर को मोड़ के हमें दोनों हाथ से दोनों नीज पर पकड़ के इसे प्रेस करना है अपने पेट पे एंड देन हमारी चिन को और टच करना है दोनों नीज पे। ब्रीथ आउट करके 5 seconds होल्ड करना है एंड 10 times इसे दोहराना है। ये आसन से हमारे पेट में जो भी गैस होगा वो निकल जाएगा और हमारे पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन है ये। इसे अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। हमारा 9वां आसन है मरकटासन मंकी पोज, जिसमें हमें ऐसे लेट के हमारे दोनों नीज को बैंड करके लेफ्ट साइड ऐसे झुका के होल्ड करना है। दोनों हाथ को ऐसे खुले रख के हमारी जो हमारा फेस है उसे ऑपोजिट साइड में बैंड करके हमें होल्ड करना है 5 seconds ब्रीथ आउट करके। देन आफ्टर हमें राइट साइड पे सेम पोजिशन में होल्ड करना है, ब्रीथ आउट करके होल्ड करना है 5 seconds। ऐसे दोनों तरफ 10 times हमें इसे फॉलो करना है। ये आसन से हमारे लोअर बैक के मसल्स रिलैक्स होंगे, लोअर बैक में जो पेन हो रहा है वो रिलीव होगा, हमारे जो नीज़ के जॉइंट है वो भी रिलीव होंगे। अगर पेन है, स्टिफनेस है हमारे मसल में तो रिलीव होंगे मसल्स। हमारी अपर बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व होगी, हमारी जो नेक के जो मसल है वो भी रिलैक्स होंगे। हमारा 10वां आसन है नौकासन बोट पोज, इसमें हमें स्ट्रेट लेट के हमारे दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर करके हमारी जो नेक है अपर बॉडी उससे अप करके दोनों हाथों को आगे जो पैर के पंजे है वैसे फेस हो वैसे हमें ये पोज करना है। ब्रीथ आउट करना है 5 seconds होल्ड करना है ये सेम पोज में। देन नीचे आके धीरे से ब्रीथ इन करना है, रिलैक्स होना है, फिर उसे फिर से सेम पोजीशन सेम पोज में होल्ड करना है। ऐसे हमें 5 to 10 times इसे दोहराना है। इस पोज से हमारे जो एब्डोमेन के जो भी मसल है एब्स है वो टोन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। एंड पेट के जो हमारे रोग है उसे भी ये कम करता है, रिलीव करता है। हमारा 11वां आसन है धनुरासन, इसमें हमें उल्टा लेट के दोनों पैर के पंजे को ऐसे हाथों से पकड़ना है एंड अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है एंड ब्रीथ आउट करके होल्ड करना है 5 seconds। ये हमें 10 times दोहराना है। इस आसन से हमारी स्पाइन के सभी जॉइंट्स रिलीव होंगे एंड हमारा पोस्चर इम्प्रूव होगा एंड ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होगा। बारवा आसन है वृक्षासना, इसे कहते हैं ट्री पोज, जिसमें हमारे एक पैर को ऐसे हाथ से दूसरे पैर को टच करके हमें होल्ड करना है, एक पैर पर खड़े रहना है, ऐसे एक पैर पर खड़े रह के हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठा के हमें होल्ड करना है, बैलेंस बनाना है जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी पैर के जॉइंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी।
ब्रीद आउट करके होल्ड करना है 5 सेकेंड्स, दोनों तरफ एक पैर से 5 सेकेंड होल्ड करके फिर दूसरे पैर से सेम पोजीशन में इसे रिपीट करना है। याद रहे कि पैर को नी जॉइंट पे नहीं रखना है, उसके नी जॉइंट से ऊपर या नी जॉइंट से नीचे मतलब कि सपोर्ट देना है एंड होल्ड करना है। ऐसे दोनों तरफ 5 टाइम्स हमें रिपीट करना है। हमारा 13वां आसन है त्रिकोण आसन, जिसमें हमें दोनों पैर को खुला रख के जिस तरफ हमें झुकना है उस पैर को, मतलब राइट साइड झुकना है तो राइट पैर को राइट साइड एंड लेफ्ट पैर को भी राइट साइड ऐसे मूव करके साइड में झुकना है। ऐसे एक हाथ नीचे रहेगा, दूसरा हाथ ऊपर रहेगा। ऐसे होल्ड करना है 5 सेकेंड्स ब्रीद आउट करके। वैसे ही सेम पोजिशन में हमें दूसरे तरफ भी झुक के होल्ड करना है। दोनों तरफ 5 टाइम्स हमें रिपीट करना है सेम आसन। ये आसन से जिन्हें भी लोअर बैक में पेन रहेगा, पेन होगा, वो पेन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा अगर डेली इसे प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली। तो हमारा 14वां आसन है सूर्य नमस्कार। इसमें दोनों पैरों को कम्प्लीटली क्लोज रख के नीचे झुकना है। ऐसे जितने हो सके उतना झुकना है, दोनों पैर को स्ट्रेट रखने हैं, बैंड नहीं होने चाहिए। 5 सेकेंड होल्ड करके फिर नीचे दोनों हाथों को सरफेस पे रख के नीचे झुक के दोनों पैर को पीछे नी सपोर्ट करके हमारी स्पाइन को बैंड करनी है नीचे की साइड एंड हमारे फेस को ऊपर उठाना है। ब्रीद आउट करके 5 सेकेंड होल्ड करना है। ऐसे ही दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे, देन आफ्टर धीरे से पीछे की साइड जाना है। हमारी दोनों नीज सरफेस पे रहेगी ऐसे, जैसे मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ। ये पोज में हमें होल्ड करना है 5 सेकेंड्स ब्रीद आउट करके। इस सेम आसन को 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये आसन से हमारे बॉडी के ओवरऑल जॉइंट रिलीव रहेंगे, पेन रिलीव होगा, हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा एंड कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा। लास्ट 10-15वां आसन है शवासना, जिसमें हमें योगा मैट पे सोना है। हमारी बॉडी के सभी जॉइंट्स को रिलैक्स करके स्टीफ नहीं रखनी है बॉडी को। नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, हमारे एब्डोमिनल मसल्स, हमारे हाथ एंड पैर के सभी पंजे को कम्प्लीटली रिलैक्स करके सो जाना है। 5 मिनट्स तक कोई थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। माइंड को एकदम रिलैक्स एंड कम्प्लीटली क्लियर रखना है आउटसाइड थॉट्स से, जिससे हमारा माइंड काम हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने 15 ऐसे बेसिक योगा आसनास दिखाए हैं जो कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। See you soon. Stay healthy, stay fit.